मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैंने मन्ना लाइफ वन की थी ना, उसमें मैंने बहुत इम्प्रोवाइज किया, बहुत ज़्यादा, एंड राजू ने मुझे करने भी दिया, गिव मी ऑल द फ्रीडम, और वाकई में मतलब वो सारा जो सीन था ना, वो इम्पोर्टेड बॉडी ये पूरा इम्प्रोवाइज था, दैट थिंग जी मेरे ख्याल से है ना कि हर किस्म की प्रमोशन इम्पॉर्टेंट है, और टीवी का रीच भी काफ़ी है, काफ़ी लोग देखते हैं, एक अलग क्राउड मिलता है, तो अच्छा है कि जितने ज़्यादा लोग देखें ज़्यादा लोग अवेयर हो जाएं फिल्म के बारे में, देखने के लिए आने के लिए। नहीं नहीं, मेरे ख्याल तकरीबन सारे सवाल अच्छे मजाकिया थे, पत्ती वाले थे, तो मज़ा आया करने में, और ताजुब तो नहीं हुआ बट कुछ कहीं पर नहीं, बहुत प्यारी फिल्म है एक्चुअली, मुझे पसंद बहुत पिक्चर अच्छी है, क्या कहते हैं, जरूर आपको लगता है कि कुछ सोचना चाहिए फिल्म देखने में, मजबूर करती है सोचने को, मतलब एक एक्टर के तौर पर सोचूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं और भी रोल सिर्फ कॉमेडी ना करूँ, मैं कोशिश करूँगा बीच में इश्किया जैसी फिल्में आ जाती हैं जो थोड़ी अलग होती हैं, टोटली कॉमेडी नहीं होती हैं, जॉलीवुड जहाँ तक मैं कहूँगा मैं नहीं चाहूँगा कि लोग ये सोच के आएँ कि वो एक लाफ राइड देखने वाले हैं या एक बिल्कुल कॉमेडी पिक्चर देखने हैं, मैं चाहूँगा कि वो एक अच्छी फिल्म देखने आएँ और वो निराश नहीं, अगर आप सिर्फ कॉमेडी देखने आए तो फिर शायद ये आपकी फिल्म आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें हंसी मजाक है, सटायर है, लेकिन साथ साथ जैसे मैंने कहा एक मैसेज है,